हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो बात करेंगे 8 मई की इवनिंग अपडेट्स के बारे में। तो पांच जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, हो सकता है कि आपने पहले ही इनके बारे में पता हो, तो अगर आपको पता होगा तो आप वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और डिस्कस करेंगे हेल्पलाइन नंबर, जो कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, ताकि कोई अगर नया पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो उसको हेल्पलाइन नंबर जो है वो काम आ सके। उससे पहले, अगर घर बैठे आप हिमाचल प्रदेश कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो परीक्षा ऐप पर जो है आप डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपको हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एचपीजी के और करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए, और एचपी वन पास, जिसमें आपको सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करते वक्त आपको जीके स्टडी 40 का कोड यूज करना है, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 168 के अराउंड आपको एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा। मतलब एक नहीं, उसमें 30 एक मॉक टेस्ट होते हैं, यानी कि अगर आप एचएस का खरीदते हो तो 30 मॉक टेस्ट आपको एचएस के मिलते हैं, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके मॉक टेस्ट होते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। तो हमीरपुर जिले में भी जो है वो एक कोरोना का मामला जो है वो सामने आया है, और इसके बाद जो है इस क्षेत्र को जो है वो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है जहां पर भी ये बड़सर क्षेत्र में जो है ये आपका मामला आया है, तो इसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो भी 7 किलोमीटर का एरिया है उसको पूर्ण रूप से जो है वो सील कर दिया गया है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन जो है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो और अब जो हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या है वो भी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, अगर बात करें तो उन्होंने इस मामले में यह भी पाया है कि जो होम क्वारंटाइन है उसके नियमों की जो है वो अनदेखी हुई है, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और किसी अन्य व्यक्ति से अपने बाल कटवाए हैं, यानी कि घर में ही जो है वो नाई बुलाकर जो है वो बाल कटवाए हैं, और उसी ही नाई ने जो है वो अलग अलग जाकर जो है 6 अलग बंदों के जो है वो बाल काटे हैं। अब उनके भी जो है वो सैंपल लिए जाएंगे, और उसके बाद जो भी रिपोर्ट होगी वो आपसे जरूर शेयर की जाएगी। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है 12वीं कक्षा के 4 विषयों में पूछे गए 9 गलत प्रश्नों की एवज में विद्यार्थियों को 19 ग्रेस मार्क्स का देने का जो है वो फैसला लिया है। यानी कि जो प्लस टू है उनको, जो भी कैंडिडेट प्लस टू में है उनको 19 मार्क्स जो है वो ग्रेस के दिए जाएंगे। बोर्ड सबसे ज्यादा 9 ग्रेस मार्क्स केमिस्ट्री विषय में देगा, यानी कि जो केमिस्ट्री विषय है उसमें सबसे ज्यादा आपको 9 ग्रेस मार्क मिलेंगे। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च 2020 में ली गई जमा 2 की बोर्ड परीक्षा के 4 विषयों के प्रश्न पत्र में जो है काफी गलतियां पाई गई हैं। इस दौरान बोर्ड ने 15 प्रश्नों को या तो गलत पूछ लिया था या फिर एक प्रश्न को दोहरा दिया था, जिसके चलते जो छात्र है चाहकर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, यानी कि आंसर नहीं दे पाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन और सीरीज पूरी आपके पास दिया गया है, ठीक है, उसको आप जो है रीड कर सकते हैं। तो 19 जो है वो टोटल ग्रेस मार्क जो है प्लस टू के विद्यार्थियों को मिलने वाले हैं। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अब जो है आईजीएमसी टांडा में जो है वो कोरोना का इलाज नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो भी कोविड-19 के गंभीर मरीज है, यानी कि जो बिल्कुल सीरियस पेशेंट होंगे, उनका ही जो है सिर्फ आईजीएमसी और टांडा में इलाज होगा। ठीक है, तो ये न्यूज क्या है एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि प्रदेश के 2 सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज को सरकार ने कोरोना मरीजों से जो है वो फ्री कर दिया है। अब इन 2 बड़े अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं होगा। इसके साथ ही कोरोना संदिग्ध मरीजों को भी इन दोनों अस्पतालों में जो है वो नहीं रखा जाएगा। प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अगर कोरोना का कोई मरीज जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस है या गंभीर है, तो उसी स्थिति में उसे इन दोनों बड़े अस्पतालों में जो है वो दाखिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये फैसला लिया गया है। और मैंने मॉर्निंग की वीडियो में आपको बताया था कि 5 जगह पर है जहां पर कोरोना पेशेंट्स को रखा जाता है या उनका इलाज होता है, उनमें से जो है आईजीएमसी और टांडा में जो है अब पेशेंट नहीं रखे जाएंगे। ठीक है, और अगर बात करें किन्नौर, कुल्लू, लाहौल और सिरमौर में तो कर्फ्यू उल्लंघन का कोई भी नया केस नहीं आया है। ठीक है, लोग जो है वो घरों में रहना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, बात करें अगले अपडेट के बारे में। तो एम्स के जो निदेशक है उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मई तो जो है वो शुरुआत है, जून में जो है वो चरम पर पहुंचेगा संक्रमण। अभी आपको जो है वो कोरोना के साथ ही जीना होगा। तो पूरे देश भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन के काम पॉजिटिव मामलों में कमी तो जरूर आई है, लेकिन अभी जो मरीज हैं उनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भारत में अब तक 56,000 से ज्यादा लोग जो है वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जो दिल्ली एम्स के निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा है कि जून के महीने में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा, और आपके इस बारे में क्या विचार हैं? जिस तरह से आप सिचुएशन देख रहे हैं, अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो आपको पूरे भारत की सिचुएशन भी पता होगा, और साथ साथ हिमाचल में भी जो है वो केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो 17 मई के बाद लॉकडाउन को किस तरह से जो है वो शुरू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उस बारे में आपके क्या विचार हैं जरूर बताइएगा। बात करते हैं अगले हेल्पलाइन नंबर की। तो अगर कोई भी महिला जो है वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, तो इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज करवा सकती है।
जो भी हिमाचल प्रदेश में लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए आप 1916 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संक्रमित होने पर 104 पर, राशन और गैस के लिए 1967 पर, घरों से कूड़ा न उठने पर 1916 पर, और बिजली संबंधी शिकायतों के लिए 1912 पर। उसके अलावा दूध की सप्लाई के लिए हिमफेड के यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ठीक है। और अगर कोरोना संदिग्ध कोई है उसकी सूचना आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है नंबर दिए गए हैं, ठीक है। बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर की, तो 1070 जो है आपका टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप कोई भी, आप अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप यहां पर ले सकते हैं। वैसे तो आपके मेडिकल स्टोर सभी जगह जो है जहां पर भी छूट दी जा रही है वहां पर ओपन है, बट अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है दवाइयां वगैरह, तो यहां पर दो नंबर दिए गए हैं जिन पर आप कॉन्टेक्ट करके दवाइयां मंगा सकते हैं। अदर स्टेट में जो आपके पर्सन फंसे हुए हैं, ठीक है, तो उनके जो उनको रहने का स्थान, भोजन या फिर चिकित्सा सुविधा चाहिए, तो तीन नंबर यहां पर दिए गए हैं। और दिल्ली चंडीगढ़ वालों के लिए यहां पर नंबर जारी किए गए हैं, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं एक बार अच्छे से, ताकि अगर आपको कोई भी हेल्पलाइन नंबर की जरूरत है या किसी और को जरूरत है तो आप उसके साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो आज की अपडेट में बस इतना ही, बाकी जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।